हेलो फ्रेंड, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राम राम। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिलहाल हम भी बहुत अच्छे। तो फ्रेंड देख सकते हैं अभी नहा धो के रेडी हो चुके, चोटी वगैरह भी कर ली है मैंने, तैयार भी हो गई। तो आज मैंने चोटी करी है, कैसी लग रही हूँ तो जरूर कमेंट करके बताना। तो देख सकते हो मैंने फ्रेंड वीडियो स्टार्टिंग कर दी है। किस चीज़ का आज वीडियो बना रहे? तो फ्रेंड आज हम बनाने जा रहे हैं घर पर अपने काजू कतरी। वो कैसे बनाते हैं तो फ्रेंड आप लोग वीडियो में जरूर एंड तक बने रहना। तो देख सकते हो फ्रेंड हमारा आंगन कितना भी सुंदर लग रहा है। ये देखो पेड़ की वजह से कितने पत्ते पत्ते झड़ते रहते हैं। अभी तो देख सकते हो फ्रेंड झाड़ू लगाई थी मैंने, यानी कि कोई मतलब नहीं रहता झाड़ू लगाने के लिए, इतने पत्ते झड़ते हैं। और आम के समय आम भी होते हैं इसमें। तो देखिए कितना बड़ा पेड़ है, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी कच्चा घर यानी कि दीपावली पर रौनक आ जाते, कच्चा हो या पक्का हो दीपावली है ही ऐसी सुंदर। तो देख सकते हैं फ्रेंड फाइनली मैं काजू लेके आ चुकी हूँ। तो देखिए इतने सारे मैंने काजू मंगाए थे। तो देखिए अब हम इसमें कटोरी का डाल देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड फाइनली मैंने काजू निकाल लिए काजू कतरी बनाने के लिए। तो फ्रेंड मेरे एक पाव काजू हैं। अब हम इसको जाल में डालेंगे, मिक्सी जाल में। अब हम इसको पीसने के लिए जाएंगे क्योंकि मस्त अच्छे से बारीकी करेंगे, फिर उसके बाद इसकी चाशनी बनाएंगे। देख सकते हैं मिक्सी मैंने इसको रख लिया है। अब हम इसको पीस लेते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं फाइनली हमारे काजू पीस के तैयार हो चुके हैं। तो देखिए इसको ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें मैंने पानी डाल दिया होगा। तो फ्रेंड मैंने पानी वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ना ही दूध डाला है, ये नॉर्मल है क्योंकि काजू पीस के ऐसे ही हो जाते हैं जैसा लगता है पानी डाल दिया होगा। तो पर चलते हैं अब हम इसको बनाने के लिए काजू कतरी। वीडियो में जरूर एंड तक बने रहना और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करते जाना मेरा। देख सकते हो फ्रेंड फाइनली मैंने काजू पीस के रख लिए हैं इसमें। अब हम चाशनी बनाने के लिए जाते हैं। फिर एक कटोरी मैंने काजू लेते, अब हम एक ही कटोरी इसमें चीनी लेंगे क्योंकि वैसे तो फ्रेंड अगर कम मिट्टी खाओ तो वैसे डालना चाहिए, तो आधी चीनी डालनी चाहिए। जैसे एक कप आप काजू लो तो आधी कप चीनी लो, इसलिए मैं एक कप डाल रही हूँ। मैं अपने हिसाब से डाल लूँ, बिगड़ जाती फिर आप लोग बोलते कि सही नहीं बनी है। और इसमें जाएगा आधा कप पानी, गैस को कर देंगे ऑन। अब इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि चीनी। तो फ्रेंड देख सकते हो जैसा कि हमारी चाशनी बन के तैयार हो चुकी है बर्फी के लिए। अब हम इसमें डाल देते हैं। इलायची पाउडर फ्रेंड एक चम्मच, डेढ़ चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है इसमें हमने। तो देखते फाइनली हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है बन के। लेते हैं काजू जो मैंने पीस के रख लिए थे वो चौट गए हैं इसमें। फ्रेंड जैसे देख सकते हो मैंने इसमें काजू अपने पूरे डाल दिए हैं। अब मैं इसको चना घोल लेते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड इसमें कितनी अभी गठांस है, यानी कि उठली है अभी, मतलब काजू गीले थे इसलिए अभी इसमें घोरे नहीं है। अब इसको हम अच्छे से चला देंगे तो फिर पूरे मिक्स हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में जरूर अंत तक बने रहना और आप लोगों को मैं पूरा बर्फी बना के दिखाऊंगी कि काजू कतरी कैसे बनाते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड फाइनली हमारी पूरी मिक्स हो चुकी है काजू इसमें। अब हम चलो इसको ना थोड़ा चलाते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम ट्रे में इसको पका देंगे, फैला देंगे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड गैस से मैंने नीचे कढ़ाई रख ली हो, कढ़ाई नीचे रख के थोड़ी देर चलाना चाहिए क्योंकि जितना आप लोग चलाओगे उतना ही जल्दी हटती जाएगी, यानी टाइट हो जाएगी। तो फ्रेंड हमारी टाइट हो चुकी है, अब हम इतनी करते ज़्यादा करेंगे तो फिर अच्छे से पसरेगी नहीं, जल्दी जल्दी होती है। अब हम ट्रे में डाल देते हैं। इसमें मैंने घी पहले से लगा दिया था फ्रेंड, अब हम ट्रे में डाल देते हैं। इसमें घी मैंने पहले ही लगा दिया। तो
देख सकते हो फाइनली मैंने ट्रे में उसको पसार दी, अब इसको थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। तो फ्रेंड अब आपको बाद में दिखाएंगे जब हम पसार जाएगी अच्छे से सूख जाएगी, क्योंकि अभी तो बहुत गर्म है, तभी इसके फीसेस कटेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको पंखे में रख दिए थे इसलिए ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसके फीसेस काट लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा इसका रिजल्ट आया है। तो फ्रेंड देख सकते हो जैसा कि हमने काजू कतरी अपनी काट ली है, तो आप लोगों को दिखाते हैं हम इसमें इसको निकाल के इसकी पीस निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड इसका पीस मैंने देखिए आपको तोड़ के दिखाते हैं, तो देखिए फ्रेंड कितनी खस्ता बनी है, यानी कि मोमो डालो घुल जाएगी। तो कितनी आसान है इसको बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, टोटली आध घंटे के अंदर अंदर बन जाती है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। अगर आप लोग सोचोगे कि ये इजी नहीं है, मेहनत लगती है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। अगर आप लोग ठान लो कोई भी चीज़ को तो ये फटाक से बन जाती है। तो फ्रेंड हमारी तो फाइनली बन चुकी है, और आप सबको भी बनाना है तो हमारा वीडियो जरूर एंड तक देख लेना फ्रेंड, बहुत अच्छी है मैंने बर्फी बनाई है। तो फ्रेंड जैसा कि देख सकते हो मेरी बर्फी कितनी अच्छी बनी है, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने पहली बार आज मैंने अभी तक कभी भी नहीं बनाई फ्रेंड, ना ही हमने कभी देखी है किसी की बनातन। तो मैंने सोचा आज मेरा मन हुआ मैंने कि दीपावली कुछ अलग बने, तो इसलिए मैंने सोचा काजू कतरी क्यों ना बनाए मैं। इसलिए देख सकते फ्रेंड कितनी अच्छी पहली बार में इतनी अच्छी बन चुकी है फ्रेंड, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। तो जैसे भी बनी है मैं वीडियो भी आपको दिखाती गई कि मैंने ऐसे ऐसा बनाया, मेरे को कोई मतलब वो नहीं था नॉलेज कि कैसा कैसा बनाना है। तो फ्रेंड फाइनली मैंने तो बनाना बहुत अच्छा बना, अगर आपको भी बनाना तो मेरा पूरा वीडियो देख लेना। अब हम इसको निकाल के धर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं बाहर आ चुके हैं क्योंकि हमारे यहाँ लाइट चली गई, मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैंने वीडियो एंड नहीं किया। तो ठीक है फ्रेंड हमारी काजू कतरी कैसी लगी, हमने तो काट ली है, और आप लोगों को अगर अच्छी लगी, मोम पानी आ रहा होगा तो आप लोग जरूर एक बार ट्राई करना घर पे बना के। घर पे बनाओगे तो आप लोगों को थोड़े काजू में ज्यादा बन जाएगी, बहुत अच्छी लगेगी, खाने में भी टेस्टी लगेगी। ठीक है तो फ्रेंड और जैसे कि आप लोग मेरी कमी बताते हैं, तो फ्रेंड मेरी बर्फी में अगर कोई भी कमी होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग जरूर मैं कमेंट करके बता, ताकि हम अगली बार बनाएंगे ना तो थोड़ी सुधार के बनाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड अब हम वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करें, और चैनल पर नया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।